भारतीय रेलवे मुंबई अहमदाबाद रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का कर रहा है विचार। मुंबई में क्या तिलक और बिंदी पर बैन लगाएंगे? मुंबई कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। मुंबई के झीलों में जलस्तर 90% के पार पहुंचा। मुंबई मेट्रो 3 के पहले चरण का 97% काम पूरा, जल्द शुरू होगी सेवाएं। मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग हादसे में भावेश भिड़े को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। मुंबई में 5वीं मंजिल से गिरे कुत्ते ने ली 4 साल की बच्ची की जान, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के होटल में रायपुर पुलिस की रेड, महादेव ऐप से सट्टा संचालित कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई में SRA ने 1 साल में बिल्डरों से वसूले 700 करोड़, नियुक्त किए गए थे 25 नोडल अफसर। महाराष्ट्र में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान। मुंबई सांसद का PA बनकर मुंबई के रेस्टोर से मंगवाया 200 प्लेट बिरयानी, गुलाब जामुन 12 लाख का लगाया चूना। मुंबई वक्त संशोधन बिल के लिए बनी JPC में 31 मेंबर्स होंगे, 10 राज्यसभा से, वहीं OSC सपा के मुहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल होंगे। जया बच्चन धड़कड़ से बोली, आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोली, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। मनीष सिसोदिया का 17 महीने बाद CBI ED केस में बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत नियम और जेल अपवाद आज तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं। पश्चिम रेलवे पर सभी वास्तविक यात्रियों को परेशानी मुक्त और आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुरक्षित करने के उद्देश्य से मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट अनियमित यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप अप्रैल जुलाई 2024 के दौरान लगभग 57 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जिसमें मुंबई उपनगरीय खंड से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं पश्चिम रेलवे ने आम जनता से हमेशा उचित और वैध टिकटों के साथ यात्रा करने की अपील की है। वहीं आपको बता दें, 3 महीने में बिना टिकट यात्रियों से लगभग 18 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।